दोस्तों, अगर आप AI की वीडियोस बनाते हो और आप बार बार एक ही इमेज को, एक ही तरह की इमेज को यूज कर करके थक चुके हो, आपको समझ में नहीं आता कि नई इमेज कहाँ से लाई जाए, अलग अलग कैरेक्टर की इमेज कहाँ से लाई जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट पे आप अनलिमिटेड इमेज AI डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, सब के सब इमेजेस आपको फ्री मिलने वाले हैं। चाहे आपका कैरेक्टर जो भी हो, आप मॉन्क की फोटो डाउनलोड कर रहे हो, या फिर आप किसी लड़के की फोटो डाउनलोड कर रहे हो, या किसी ऑफिस बॉय की फोटो डाउनलोड कर रहे हो, डॉक्टर्स की फोटो डाउनलोड कर रहे हो, यहाँ तक कि आप किसी प्लेस की भी अगर फोटो डाउनलोड कर रहे हो, तो आप अनलिमिटेड फोटोज डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल से इस चीज को करना चाहते हो तो मोबाइल से भी कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है या PC है तो आप वहां से भी इस चीज को कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर AI वीडियोस किस तरह से बनानी है ये आपको जानना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको बताया है कि फ्री में आप AI वीडियोस किस तरह से बना सकते हो। दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल से AI की फोटोज डाउनलोड करनी है तो आपको जाना होगा सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ भी सर्च करना हो। राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिख रहा होगा, इस डॉट्स पे क्लिक कर दें और नीचे से आपको तीसरे नंबर पे ऑप्शन मिल जाता है डेस्कटॉप साइट का, इस चेकबॉक्स को आप क्लिक करें। उसके बाद आप आराम से अपनी AI फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको अपने लैपटॉप पे बताता हूँ। आपको जाना है अपने गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्च करने का। यहाँ पे आपको सर्च करना है, ध्यान से देखें जिस वेबसाइट को मैं बारे में बता रहा हूँ, आपको किस तरह से इस वेबसाइट को यूज करना है और फ्री में यूज करना है अपने AI इमेजेस के लिए। यहाँ पे आपको टाइप करना है प्लेग्राउंड AI। यहाँ पे आपको मिल जाता है प्लेग्राउंड AI। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लिंक्स दिखेंगे। आपको सबसे ऊपर में ऑप्शन मिल जाता है प्लेग्राउंड AI, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का भी स्क्रीन इस तरह से होगा। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको देखें लोगो मिल जाता है प्लेग्राउंड का। उसके बाजू में आपको यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिल रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डॉक्टर। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करना है, या आपको यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा होगा सर्च करने का, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्टर से रिलेटेड जितनी भी AI इमेजेस है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे, अलग अलग तरीके की डॉक्टर्स की इमेज यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अलग अलग, और जो भी इमेजेस यहाँ पे आपको मिलती है सब के सब HD क्वालिटी में मिलेगी। इसी तरह से आप अगर किसी और कैरेक्टर की फोटो डाउनलोड करना चाहते हो, मॉन्क की फोटो अगर डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे मॉन्क टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप देखें अनलिमिटेड यहाँ पे मॉन्क की फोटोज आपको यहाँ पे मिल जाती है। अलग अलग तरीके की HD क्वालिटी में आपको फोटोज मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको इस निशान पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस निशान पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग कैरेक्टर्स की फोटोज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनिमल्स की अगर फोटोज चाहिए AI में तो आपको अलग अलग एनिमल्स की फोटो मिल जाएंगी। एनिमी की अगर फोटो चाहिए तो आपको यहाँ पे वो भी मिल जाएगी। फैशन से रिलेटेड अगर चाहिए तो फैशन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड अगर आपको फोटोज चाहिए तो आप फूड से रिलेटेड फोटो भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी जगह का फोटो चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। व्हीकल्स आपको मिल जाता है, यानी अलग अलग कैरेक्टर्स की अनलिमिटेड फोटोज आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए, अगर आप अपने मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं, मोबाइल से डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फोटोज पे क्लिक करके रखना होगा, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है सेव इमेज। आपको सेव इमेज पे क्लिक करना है। सेव इमेज पे क्लिक करते ही आपकी फोटोज आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह से अगर लैपटॉप से करना चाह रहे हैं, जो भी फोटोज डाउनलोड करनी है उस पे अपना माउस को ले जाना है और लेफ्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप लेफ्ट प्रेस करेंगे अपने माउस का तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेव इमेज एज। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके कंप्यूटर पे रेफर कर दिया जाएगा कि आप कहाँ पे फोटोज डाउनलोड करना चाहते हो। हम डाउनलोड करना चाहते हैं अपने डाउनलोड सेक्शन में, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और सेव कर लेते हैं। नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज डाउनलोड हो जाते हैं। इसी तरह से आप अनलिमिटेड फोटोज डाउनलोड कर सकते हो। चाहे किसी भी कैरेक्टर की फोटो आपको डाउनलोड करना है, किसी भी कैरेक्टर की आप वीडियोज बना रहे हो, आप वो फोटोज वहां से डाउनलोड करके अपने वीडियोज में यूज कर सकते हो। आप फ्री में इसका यूज कर सकते हो।